नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएसआर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कर्णिका। आइए नजर डालते हैं सुपर सेवन खबरों पर। साईं बाबा के जन्म स्थान को लेकर उपजे विवाद के बाद आज शिरडी शहर पूरी तरह बंद। सीएम उद्धव ठाकरे ने विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत करने की इच्छा जताई है। दिल्ली के शाहीन बाग के 13 नंबर रोड पर बैठे लोगों को उठाने के लिए पुलिस जुटी। स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस प्रवीण रंजन और डीसीपी चिन्मय बिस्वाल भी पहुंचे। मीटिंग कर प्रोटेस्ट से जुड़े बड़े लोगों को बुलाया गया। शिवसेना सांसद संजय राउत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर बयान को लेकर विरोध जारी। एनसीसी प्रमुख शरद पवार ने कहा, संजय राउत को यह कहने से परहेज करना चाहिए था। लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल है तैनात। पुलिस ने महिलाओं से छीने कंबल, वहीं पुरुषों को खदेड़ा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज होगा तीसरे और आखिरी वनडे का मुकाबला। अभी दोनों टीमें एक एक से बराबरी पर हैं। बेंगलुरु में होगा आज निर्णायक मुकाबला। दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी रोड एक्सीडेंट में हुई घायल। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। पुणे के एक अस्पताल में इलाज जारी। दुनिया के दिग्गज कंपनी अमेज़न के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस 3 दिवसीय भारत दौरे पर थे। उन्होंने देश के कई प्रमुख कारोबारियों और फिल्मी हस्तियों से की मुलाकात। अभी तक के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए जेएसआर टाइम्स। नमस्कार।